नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूँ आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मैं मौजूद हूँ चोपटा की अनाज मंडी में। और यहाँ पे आपको बता दें कि दुष्यंत चौटाला का जो रोड शो का जो काफिला था वो अभी अभी यहाँ पे पहुँचने वाला है। उससे पहले चोपटा इलाके के अंदर, चोपटा एरिया के अंदर जो जननायक जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनका उत्साह और उनकी भीड़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो आप यहाँ पे देखिएगा, कैमरा सहयोगी से गुजारिश करूँगा कि पूरी भीड़ यहाँ पे आपको दिखाने का प्रयास करें, दिखाने की कोशिश करें कि कितनी अच्छी संख्या में जो युवा हैं वो बाइक लेकर के अपनी अपनी जो यहाँ पर पहुँचे हैं। और आपको बता दूँ कि दुष्यंत चौटाला जैसे यहाँ पर पहुँचेंगे तो उसके बाद उनका आगे तरका वाले गाँव के अंदर कार्यक्रम रखा गया है। तो उस तरका वाले गाँव तक यहाँ चोपटा से हजारों की संख्या में जो युवा है वो दुष्यंत चौटाला को एस्कॉर्ट करते हुए यहाँ से आगे बाइक रैली के माध्यम से लेकर के जाएंगे। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें देखिएगा। ये तमाम तस्वीरें देख सकते हैं आपकी चोपटा इलाके के जो अलग अलग गाँव के जो युवा हैं वो यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और अपनी अपनी बाइक लेकर के यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। कुछ ही समय बाद जो है दुष्यंत चौटाला का काफिला यहाँ पे पहुँचने वाला है। तो उस काफिले को एस्कॉर्ट करते हुए ये जो साथी हैं वो यहाँ से आगे लेकर के जाएंगे। ये भीड़ अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो मीनू बेनीवाल एक बहुत ही चर्चित नाम और बहुत ही चर्चित चेहरा है। तो उनके प्रयास जो है वो हम देख सकते हैं कि अपने पार्टी को मजबूत करने के लिए और युवाओं को अपने साथ जोड़ने के लिए किस प्रकार से मीनू बेनीवाल जो है वो योगदान दे रहे हैं, अपना सहयोग कर रहे हैं। तो ये भीड़ यहाँ पे मीनू बेनीवाल जो पहुँचे हुए हैं आप तस्वीरें देखिएगा। और मीनू बेनीवाल जो कि एक चर्चित चेहरा है इस इलाके का, तो उनके आसपास जो है ये भीड़ देखिएगा। उनसे मिलने के लिए युवा साथी जो है वो बेताब हैं, उनसे मिल रहे हैं, सेल्फियां उनके साथ खिंचवा रहे हैं। तो चलिए इसके बाद तस्वीरें दुष्यंत चौटाला के काफिले की किस प्रकार से रहते हैं, क्योंकि इससे पहले हमने आपको तमाम वो तस्वीरें दिखाई, दुष्यंत चौटाला ने मंच के माध्यम से क्या कुछ बोला था और दुष्यंत चौटाला के काफिले के कारण और जो जाम की स्थिति जो बनी हुई थी, लगातार किसान विरोध कर रहे थे, वो तमाम तस्वीरें हमने आपको दिखाई। लेकिन अब जो इसके बाद जो मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा वो तस्वीरें सिर्फ और सिर्फ आपको ये दिखाऊंगा कि दुष्यंत चौटाला के काफिले के अंदर कितनी गाड़ियां हैं, कितनी लंबी लाइन जो है वो गाड़ियों की लगती है। और उससे पहले चोपटा की ये तस्वीर मैंने आपको दिखाई कि जो जननायक जनता पार्टी के एक बहुत ही वरिष्ठ साथी हैं मीनू बेनीवाल, उनका प्रयास जो है वो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि अपनी पार्टी को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए वो किस प्रकार से कदम यहाँ पर उठा रहे हैं और काफ़ी अच्छी संख्या में युवाओं को उन्होंने अपने साथ जोड़ा हुआ है। तो यहाँ पे तस्वीरें देखिएगा, ये तस्वीरें मीनू बेनीवाल ने जो एक रोड शो का आयोजन जो है वो किया था, वो उस रोड शो की तस्वीरें हैं। यहाँ पे युवा देखिएगा पूरी लंबी कतार में, कैमरा सहयोगी से गुजारिश करूंगा कि आपको दिखाने का प्रयास करें कि किस प्रकार से लंबी कतारें जो है इस पूरे लंबे कतार को, पूरे लंबे काफिले को कैमरा के अंदर कवर करके दिखाए कि किस प्रकार से मीनू बेनीवाल का जो प्रयास है, कितने युवाओं को साथ लेकर के मीनू बेनीवाल जो है वो यहाँ से इस जननायक जनता पार्टी के जो दुष्यंत चौटाला है उप मुख्यमंत्री हैं उनको समर्थन करने के लिए युवाओं की अच्छी खासी संख्या में बाइक रैली में युवाओं को एकत्रित किया है, इकट्ठा किया है। हालांकि अगर मैं बताना चाहूँ तो मीनू बेनीवाल जो है उनके हिस्से दो रैलियां जो है वो रखी गई थी कि एक जमाल में जनसभा का आयोजन करना था और दूसरा आयोजन अगर बात करूं तो तरकावाली गांव के अंदर रखा गया था। तो यहां से अब ये पूरा काफिला जो है ये तरकावाली गांव तक जाने वाला है। यहां पे आप देखिएगा लगातार जननायक जनता पार्टी के झंडे हाथों में पकड़े हुए जो साथी हैं, जो युवा हैं वो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहे हैं। Bye.
वहीं आपको ये तस्वीरें मैं दिखा रहा हूँ तरका वाली गांव की, जहाँ पे आप देखिएगा कि जननायक जनता पार्टी के समर्थन में ये आज एक रैली का आयोजन जो है वो किया गया था। दुष्यंत चौटाला जो है वो इस रैली के अंदर मुख्य वक्ता के तौर पे पहुँचे थे और उन्होंने गोविंद कांडा के पक्ष में वोटों की अपील की थी। यहाँ पे ये तस्वीरें देखिएगा, काफ़ी अच्छी संख्या में लोग जो है वो इस रैली के अंदर करके उमड़े हैं। और देखिएगा तस्वीरें लगातार, अगर आपको बताना चाहूँ तो ये रैली का आयोजन जो है वो मीनू बेनीवाल के द्वारा जो है वो किया गया था, जो कि काफ़ी चर्चित चेहरा, चर्चित नाम है। चेहरे से शायद कम ही लोग उनको जानते हैं, पहचानते हैं, लेकिन नाम से लगभग सभी लोग जानते हैं। तो उनके द्वारा ये कार्यक्रम का जो आयोजन वो करवाया गया था। इसके साथ साथ अगर बात करूं तो दुष्यंत चौटाला मुख्य वक्ता के तौर पे यहां पे पहुंचे हुए थे, उनके साथ गोविंद कांडा यहां पे पहुंचे हुए थे इस जनसभा को संबोधित करने के लिए। और इसके साथ अगर बात करूँ तो दिग्विजय चौटाला भी इस रैली में मुख्य रूप से शिरकत करने के लिए पहुंचे हुए थे। जय जय पी पार्टी जिंदाबाद।